क्या आप जानते हैं कि बेहद सुंदर दिखने वाली लेक्स के कई टाइप्स होते हैं और इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स को। तो दोस्तों, ऐसी लेक्स जिनमें प्रेसिपिटेशन से ज्यादा इवेपोरेशन होता है वो टेम्पररी लेक्स, और जिनमें इवेपोरेशन से ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है वो परमानेंट लेक्स कहलाती हैं। फिर आती है फ्रेश वाटर लेक्स। ये ऐसी लेक्स होती हैं जिनका सोर्स ऑफ वाटर रिवर्स होता है। उदाहरण के लिए भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वूलर, जिसे झेलम रिवर से पानी मिलता है। नेक्स्ट है सेलीन लेक्स। ऐसी लेक्स होती हैं जिनमें रैपिड इवेपोरेशन देखने को मिलता है और इनके पानी में नॉर्मल से ज्यादा सॉल्ट कंटेंट मौजूद होता है। राजस्थान की सांभर लेक इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जो भारत की लार्जेस्ट इनलैंड सेलीन वाटर लेक है, जो सॉल्ट वाटर लेक सी के पास होती है और सैंड या रॉक के जरिए सी से सेपरेटेड होती है, उसे लगून लेक कहते हैं। जैसे कि उड़ीसा की चिलिका लेक। कुछ लेक्स ऐसी भी होती हैं जिनकी फॉर्मेशन अर्थ के अंदर चलने वाली मूवमेंट्स के कारण होती है। जब बेंडिंग, फ्रैक्चरिंग, सब्सिडेंस और रैपिंग की वजह से डिप्रेशन बनते हैं तो इनमें मिलने वाली लेक्स टेक्टोनिक लेक्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए पेरू और बोलिविया बॉर्डर पर सिचुएटेड वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक टिटिकाका। वहीं जब अर्थ के दो ब्लॉक्स एक दूसरे से अवे मूव करते हैं तो मिडिल ब्लॉक सिंक हो जाता है और बनती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली लेक का एग्जाम्पल है तांगानिका लेक। वोल्केनो एक्सप्लोजन के टाइम पे कभी कभी वोल्केनो का टॉप ब्लो ऑफ हो जाता है और बनता है क्रेटर, जिसमें पानी भरने पर बनती है क्रेटर लेक। इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र की लोनार लेक। लास्ट है ऑक्सबो लेक। ये वहाँ बनती है जहाँ एक रिवर के हॉर्सशू बेंड के रिमेन्स मौजूद हों, जैसे लेक चिकोट। दोस्तों, ये थी कहानी अलग अलग टाइप की लेक्स की। अगले वीडियो में आप ज्योग्राफी के कौन से लैंडफॉर्म को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।